हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल फार्मा इंजीनियरिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट कूलिंग टावर कैपेसिटी। वीडियो में हम देखेंगे कि कूलिंग टावर का कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि कूलिंग टावर कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसका मैं एक सिंपल थंब रूल बताता हूँ, फार्मूला बताता हूँ। और इसमें एक मैं बहुत ज़रूरी बात बताऊँगा जिसमें आपको कैलकुलेट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कैसे बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है ये आप देख सकते हैं रेड कलर में। कैपेसिटी जो आपको कैपेसिटी मिलेगा वो टी आर में मिलेगा, दैट मीन्स टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसका फार्मूला है 500 इंटू डी टी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 12,000। तो यहाँ पे डी टी क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ कूलिंग टावर इनलेट एंड आउटलेट। तो एक कूलिंग टावर का ये इनलेट हो गया, ये इनलेट रेड, जो हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है, जो कूलिंग टावर में हॉट वाटर एंटर करता है उसका टेम्परेचर है। और ये कोल्ड वाटर है जो यहाँ पे सम्प में जो कोल्ड वाटर है यहाँ से पंप के थ्रू जाता है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे पुट करना है। और क्यू ये कूलिंग टावर का फ्लो, ये कूलिंग टावर का फ्लो आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट कोई है तो आप यहाँ के यहाँ से फ्लो मेजर कर सकते हैं। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपके पास मेजर करने का, फ्लो मेजर करने का, वाटर की वेलोसिटी मेजर करने की, तो आप सिंपली क्या कीजिए, आपका ये जो पंप है इस पंप के नेम प्लेट पे आपको पंप की कैपेसिटी में लिखा होगा, वो लीटर्स पर आवर या लीटर्स पर मिनट कोई भी यूनिट में लिखा होगा। उसको आप गूगल में सर्च करके उसको उस कैपेसिटी को आप गैलन्स पर मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए और इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो इससे इस तरह से आप बिना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए भी आप अपने कूलिंग टावर का कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर थर्मामीटर से आपको इसका एक टेम्परेचर मेजर करना है, इस सम का टेम्परेचर मेजर करना है, और जो हॉट वाटर ऊपर जाता है उसका टेम्परेचर मेजर करना है। आपको ये डी टी मिल जाएगा और एक क्यू कंप्लीट करने के लिए, डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपके पंप के नेम प्लेट पर मिल जाएगा जो क्योंकि जो पंप का कैपेसिटी होगा वही उसका डिस्चार्ज होगा कूलिंग टावर का। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे गैलन्स पर मिनट में आपको नहीं रहेगा इसके ऊपर, वो लीटर्स पर मिनट में होगा या लीटर्स पर आवर में होगा। तो उसको आपको क्या करना है, गैलन्स पर मिनट में उसको कन्वर्ट करना है, वो गूगल से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और फाइनली इसमें पुट करने के बाद आपको उसकी कैपेसिटी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।